सनातन का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा कि नरेंद्र मोदी के युग में पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। साथ ही उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उदयनिधि स्टालिन पर चुप्पी बरकरार है, लेकिन दावा कर दिया गया कि उन्होंने हिंदू धर्म की कई किताबें पढ़ी हैं और किसी भी किताब में ऐसा हिंदुत्व नहीं है जिसके बारे में बीजेपी बात करती है। पेरिस में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने उदयनिधि स्टालिन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। पहले उदयनिधि और अब राहुल गांधी। हिंदुत्व पर राहुल गांधी की नई थ्योरी। G20 की कामयाबी के लिए दुनिया भर से बधाई मिल रही है। हर बड़ा नेता भारत की मेजबानी और पीएम मोदी की कूटनीति की तारीफ कर रहा है, लेकिन विदेशी जमीन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार और बीजेपी को कोसने में लगे हैं। इसी कड़ी में राहुल ने बड़ा दावा कर दिया। राहुल ने कहा कि उन्होंने गीता, पुराण और उपनिषद सब पढ़े हैं। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book. राहुल गांधी ने पेरिस की साइंसेस पो यूनिवर्सिटी में गीता उपनिषद समेत हिंदू धर्म की कई किताबें पढ़ने का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी जो कर रही है वो हिंदुत्व नहीं है, बीजेपी और संघ का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। तो फिर राहुल गांधी का हिंदुत्व क्या है ये भी समझ लीजिए। फ्रॉम नो हिंदू लर्नेड हिंदू पर्सन हैव आई एवर हर्ड दैट यू शुड टेररिज हार्म पीपल हु आर वीकर देन यू। आई हैव नेवर रेड दिस। So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They are not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. विपक्षी गठबंधन के नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन पर अपनी टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसे में राहुल ने हिंदुत्व पर नया मोर्चा खोल दिया है। उदयनिधि स्टालिन के मुद्दे पर खामोश रहने वाले राहुल गांधी ने पेरिस में बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। नादान स्टालिन, तू समझ ले, अगर तू हिंदू धर्म को मिटाने की बात करेगा तो इस देश का एक एक हिंदू जब तक जिंदा है पूरे दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराएगा। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता। आणि तो दिवस दूर नाही आहे ज्या दिवशी पाकिस्तानात जाऊनही आम्ही हनुमान चालीसा म्हणून दाखवू। अरे मोदी जी के राज में पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा का पठन होगा, लेकिन यहाँ पर ये कौन आ गए जो भारत में भी हनुमान चालीसा बोलने पर पाबंदी लगाते हैं और हनुमान चालीसा बोलने वालों को जेल में डालते हैं। वही शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर जलगांव में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे को अयोध्या में गोधरा जैसी साजिश की आशंका है। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोंच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यातून यायचं आणि तिकडन झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। हालांकि उदयनिधि स्टालिन के मुद्दे पर सवालों से घिरे इंडिया गठबंधन के बचाव में अब NCP उतर आई है। जितेंद्र आह्वाड़ ने सनातन की नई थ्योरी पेश कर दी। मैंने ये कहा है कि स्टालिन को गलत अंदाज से देखा गया, उसका समर्थन नहीं किया मैंने। जो कुछ चीजें उसने के मुंह से निकली होगी वो क्या निकली है मुझे पता नहीं है, पर स्टालिन जो कहता है
कोई गलत बात नहीं है। भारत में सनातन धर्म का हम क्षुद्र स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सनातन का मतलब रिजिड, अपने ख्यालों से अपने विचारों से हिलेंगे नहीं और एक छोटी नज़रिया से वो पूरे विश्व को देखते हैं, बल्कि हिंदू धर्म व्यापकता से देखता है। उदयनिधि पर घेरा हर नेता अब बीजेपी पर वार कर रहा है। इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता भी शामिल हो गए हैं। बैंकों में जो पैसा जमा है उसमें ज्यादा पैसा तो मेरे ख्याल से बुद्धिस्टों का जमा होगा, बौद्ध धर्म के मानने वालों का सबसे ज्यादा पैसा जमा होगा, नहीं सिखों का फिर जमा होगा, नहीं मुसलमानों का, सबसे ज्यादा पैसा तो मुसलमानों का जमा होगा, नहीं जमा है तो किसका जमा है भैया? सबसे ज्यादा किसका? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। किसका? हिंदुओं। तो सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? उदयनिधि स्टालिन पर विपक्षी गठबंधन में खामोशी है, लेकिन राहुल से लेकर उद्धव ठाकरे तक अब बीजेपी पर हमला करके सनातन के अपमान से ध्यान बटाने की कोशिश में हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।